हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में स्वागत है आप सबका। पिज़्ज़ा तो आपने कई बार खाया होगा, पर एक बार मूंग दाल से बना टेस्टी पिज़्ज़ा खाकर देखें। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आ जाएगा। रेसिपी के लिए 1 कप मूंग दाल 5 घंटे के लिए भिगाया 2 चम्मच हुआ दही मिला दाल, 1 बड़ा टमाटर, 2 बड़े चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, नमक, 1/2 कप कसा चीज़, 1 चीज़ वो बटर स्लाइस, बटर सजाने के लिए 1/4 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 बड़ा चम्मच इनो सॉल्ट। मूंग दाल का पेस्ट बनाएं। इसमें इनो मिक्स करें। नॉन स्टिक पैन में बटर गरम करें। 2 कलछी मूंग दाल का पेस्ट डालें, उलट पलट कर सेक लें। अब यह एक फूल की तरह बन जाएगा। इसमें कटे हरे मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक मिक्स करके ऊपर से छिड़कें। कसा चीज़ स्लाइस और कटा टमाटर डालें। ऊपर से बटर स्लाइस रखें और उलट पलट कर सेकें। सर्विंग प्लेट में रखें। ऊपर से कसा चीज़, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, चाट मसाला ऊपर से छिड़कें और परोसें। एक पिज़्ज़ा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये अब दूसरा पिज़्ज़ा बना रहे हैं। पिज़्ज़ा भले ही इटली से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन भारत में इसके दीवाने हजारों हैं। ऐसा कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट नहीं होगा जहां पिज़्ज़ा ना मिलता हो। पेंडेमिक के कारण जब लॉकडाउन हुआ था, तो घर पर लोगों ने तरह तरह के पिज़्ज़ा बनाकर ट्राई किया था। लॉकडाउन में कई लोग सेफ बने थे और तब सभी ने घर पर अलग अलग रेसिपीज के साथ खूब पिज़्ज़ा भी बनाया। पिज़्ज़ा खाकर मन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हेल्थ की नज़रिए से देखा जाए तो मैदे के बेस के कारण आपकी स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि आपको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हेल्दी पिज़्ज़ा बनाकर हेल्थ के साथ स्वाद का भी आनंद ले सकते हैं। मूंग दाल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होती है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।